पतंजलि का एक भी प्रोडक्ट बता दीजिए जो आपका चला हो या जिससे किसी को भी बेनिफिट हुआ हो। कई लोगों से मैंने सुना है कि यहाँ भी दवाई नकली बेच रहे हैं, वो उसका असर नहीं है इतना। तो फिर वो खुद क्यों दवाई बना रहे हैं? नाखून घिसने से बाल सफेद नहीं होते, उनके क्यों हो गए? कोरोना परोना कुछ था ही नहीं, पहली बात तो ये समझो। सही बताऊं तो ये सब सरकार का जो था वो उसने कर दिया अपना काम। इस जैसे झूठे और मकार आदमी को तो जेल में डाल देना चाहिए था, जो लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहा है। सबसे पहले इनको बैन करना चाहिए सबको, क्योंकि हर एक चीज बेकार है और पतंजलि तो जीरो, एक नंबर में जीरो। ये आम आदमी थोड़ी ना रोकेगा, सरकार रोकेगी, कानून रोकेगा। कोई रामदेव ठीक नहीं कर रहा तुम्हें, ना कोई मोदी कर रहा, कोई नहीं करने वाला। नमस्कार, मेरा नाम हसन रजा है और आप देख रहे हैं तेज तर्रार। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के तिलक नगर में और आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है कि बाबा रामदेव ने अपने प्रोडक्ट गलत गलत दावे करके, झूठे झूठे दावे कर करके बेचा है और इसके साथ ही कोरोना के समय में भी उन्होंने कोरोलिन दवा के ऊपर गलत दावे किए थे और अपने प्रोडक्ट बेचे थे। उन्होंने कहा था कि हमारा दवा कोरोना को ख़त्म कर सकता है और वैक्सीन कोई काम का नहीं है, एलोपैथी कोई काम का नहीं है। आइए यहाँ पर मौजूद लोगों से जानते हैं कि इस फैसले पर उनका क्या कहना है। आप पतंजलि का प्रोडक्ट उपयोग करती है? हाँ जी, मैंने एक बार उसकी वो जो कौन से दंत कांति वो यूज़ की थी, बेकार, क्योंकि जो कोलगेट में प्रोडक्ट था वही सेम उसमें यूज़ हो रखा है। उसके कभी आप पीछे पढ़ के देखना। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी कहा है कि वो गलत गलत दावे करके अपना प्रोडक्ट्स बेचते हैं और कोरोना के समय भी गलत दावे करके अपने प्रोडक्ट्स बेचे हैं। बिल्कुल बेचे उन्होंने, बिल्कुल। पतंजलि का एक भी प्रोडक्ट बता दीजिए जो आपका चला हो या जिससे किसी को भी बेनिफिट हुआ हो। मेरे को छोड़ो, किसी से भी पूछ लो आप, चलता है कोई? बिल्कुल नहीं चलता पतंजलि, बेकार। अभी इन्होंने पीछे एक वो भी खोला हुआ अपना, जहाँ पे ये लोगों को ला के रखते हैं, उनकी वो करते हैं, 15 दिन हमारे पास रहिए, एक दिन का 5,000 रुपये लेते हैं। कुछ भी उनसे क्या हो रहा है, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, सिर्फ ये अपने पैसे कमा रहा है। अच्छा, वो दावा करते हैं कि एलोपैथी की दवा बेकार है, वैक्सीन भी बेकार है, जो दवा है वो हमारी दवा काम आएगी, आपको इस पर आपका क्या करना है? कुछ काम नहीं आने वाला। मैं मानती हूँ कि एलोपैथी ठीक नहीं है, सब बेकार होगा, मगर इंडियन खाने में ही इतनी वो है, आपकी इम्यूनिटी बन जाती है कि आपको किसी भी दवाई की ज़रूरत नहीं है। खाने में हमारे मसाले वगैरह देख लो इतने बढ़िया है। ये तो सिर्फ अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए कह रहा है कि हाँ ये चीज़ नहीं है, ये ऐसे ऐसे सब बेकार। जो होता, अब इसका जो एक और साथी था जिसको पीछे शायद वो कोरोना से ही मरा है ना, तो वो क्यों मर गया? उसको क्यों नहीं बचा लिया इसने? क्यों मर गया? नहीं मरना चाहिए था ना उसको, जब वो इसी के प्रोडक्ट यूज़ कर रहा था वो तो सारे, उसको भी नहीं मरना चाहिए था। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो भी गलत ऐड चल रहे हैं अगर आपने नहीं हटाया तो हर ऐड पर 1-1 करोड़ रुपए का फाइन लगाएंगे, तो ये कहाँ तक लगाना चाहिए? सबसे पहले इनको बैन करना चाहिए सबको, क्योंकि हर एक चीज़ बेकार है। मैं तो कह रही हूँ सिर्फ इंडियन फूड है ना जो हमारा, अगर अच्छे ढंग से उसको खाया जाएगा ना तो वही सारी दवाइयाँ। आज से पीछे चले जाओ आप, 50 साल पीछे चले जाओ, कौन सी दवाई होती थी? कोई दवाई होती थी? कुछ भी नहीं होता। अच्छा, तो उन्होंने माफ़ी भी मांगी है इस पर, तो इस पर आप क्या कहेंगे? उसको तो माफ़ ही नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं माफ़ करना चाहिए। सिर्फ एक, इसने एक ही काम अच्छा किया जो योगा करवाया लोगों को, बस। उसके अलावा सब फेक, सब बेकार और पतंजलि तो जीरो, एक नंबर में जीरो। कई लोगों से मैंने सुना है कि यहाँ भी दवाई नकली बेच रहे हैं, वो उसका असर नहीं है इतना, ये मैंने सुना है। दवा बेचा जा रहा था और ऐड चल रहा था, तो सरकार ने एक्शन क्यों नहीं लिया, ऐसा लोग बोले? इस बारे में कुछ पता नहीं है, मैंने लोगों से सुना हुआ है जो मैंने आपको बताया है, बाकी डीपली कुछ नहीं पता है, क्या सही है क्या गलत है ये मुझे इतना नहीं पता। तो ये कहाँ तक सही है, आपको क्या लगता है? नहीं, मुझे लगता है इतने सारे लोग बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ सही होगा ना, तभी तो लोग बोल रहे हैं, ऐसे कौन बोलेगा अपना? कुछ ना कुछ सही होगा और तभी तो उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं और सवाल उठ रहे हैं। जब दवा बेचा जा रहा था तो सरकार को एक्शन लेना चाहिए था ना? सरकार को एक्शन लेना चाहिए, सरकार का एक काम है क्या चीज़ गलत है क्या सही है, उन्हें इस चीज़ का पता लगाना चाहिए, जो भी आरोप लगे हैं उनके ऊपर वो सज़ा मिलनी चाहिए उन्हें उसके ऊपर। जी, आप क्या कहना चाहेंगे जो उन्होंने दावा किया है? दावा किस चीज़ का डियर? कि देना क्या कहते हैं, योगा के करने के बाद दवाई की जरूरत नहीं पड़ती, तो फिर वो खुद क्यों दवाई बना रहे हैं? नाखून घिसने से बाल सफ़ेद नहीं होते, उनके क्यों हो गए? उन्होंने दावा किया था कि कोरोना की दवाई हमने बनाई है और वैक्सीन कोई काम नहीं आएगा, लेकिन हमारी दवाई काम आएगी। उनकी दवाई कौन सी काम आई? कहीं पे भी कोरोलिन काम में नहीं आई, वैक्सीन ही काम आई। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि वो गलत गलत दावे करके अपना प्रोडक्ट बेचते हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट का दावा ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आप यूज़ करते हैं प्रोडक्ट? नहीं, मैं पतंजलि के प्रोडक्ट यूज़ करना नहीं पसंद करता। जब ये दवा बेचा जा रहा था तो लोग बोल रहे कि केंद्र सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया, रोका क्यों नहीं पतंजलि कंपनी को दवा बेचने से? हाँ जी, बड़े आदमियों का हाथ था उनके ऊपर, बिल्कुल था।
तो रोकना चाहिए था उन्हें। बिल्कुल रोकना चाहिए था और ये आम आदमी थोड़ी ना रोकेगा, सरकार रोकेगी, कानून रोकेगा, आप और मैं थोड़ी ना रोकेंगे। मेरे हिसाब से तो देखो जो भी कर रहे हैं तो दोनों चीज़ें इन्वॉल्व होती है, बाबा का बिजनेस भी चल रहा है बट वो चीज़ें ठीक भी करेंगे, ऐसा नहीं होता है कि उसमें कुछ भी उसके अंदर वो कुछ भी कर देंगे, ऐसा तो नहीं होता। बट हाँ दावे जो करते हैं वो पॉलिटिकल दावे हैं नॉर्मली, बट मेरे हिसाब से आई डोंट थिंक सो लाइक नो, वो जो भी कर रहे हैं वो अपने गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग करते होंगे, बिकॉज ये नहीं कि वो बाबा ही बैठ के इस बात का डिसीज़न लेते हैं, इसका डिसीज़न बाकायदा कंपनी के जो हेड्स होते हैं या वो सब होते हैं, वो सब मिलके करते हैं चीज़ें, ऐसे नहीं होती हैं कि आप। सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार ने भी माना है कि बाबा रामदेव ने गलत दावे किए, तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए वो टेक्टिक्स है अपनी, सुप्रीम कोर्ट अपने हिसाब से उस पर तो वो अपनी वो कर सकते हैं ना, वो जाँच कर सकते हैं, जो भी करवा सकते हैं, उस बात की जाँच हो सकती है, कोई ऐसी वो तो है नहीं, दिक्कत तो कोई है नहीं। बट ये है कि मेरे हिसाब से हर चीज़ के लिए रूल्स रेगुलेशन हैं, और गवर्नमेंट जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है तो वो क्यों नहीं उसको चेक करवा सकता है ना, उसको क्यों नहीं। आप पतंजलि का दवा यूज़ करते, पतंजलि का प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ? जी हाँ, मैं एलोवेरा आंवला सब कुछ यूज़ करती हूँ। कई तो उन पर आरोप लगा है कि गलत गलत दावे करके वो प्रोडक्ट बेचते हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सर मैं उनके लिए ये कहूँगी कि वो नहीं करते होंगे, लेकिन जो पीछे से और कॉन्टैक्ट जिनके थ्रू होता है, हो सकता है उनकी वजह से हो, लेकिन उनके प्रोडक्ट हमने अब तक यूज़ किए वो अच्छे। अच्छा, कोरोना के समय उन्होंने दावा किया था कि कोरोलिन उनका दवा जो है वो दवा कोरोना को भगा सकता है, लेकिन एलोपैथी दवा कोई काम नहीं आएगा ना वैक्सीन काम आएगा, इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, उनकी जो मतलब उनका कॉर्निल वाला जो है, मेरे घर में खुद प्रोडक्ट यूज़ हुआ है, मेरे हस्बैंड ने किया, बहुत अच्छा था और उससे कोरोना का बचाव भी हुआ है उस टाइम पर, तो वो प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा है कोरोनिल वाला उनका। सुप्रीम कोर्ट का तो कहना है कि ये गलत दावे हैं। जी ये तो मैं इसके लिए ही कहूँगी, हमें जो विश्वास है हम उसके उस पर बोल सकते हैं। उसमें है क्या, वो बकवास है सब। कोरोना पहली बात, कोरोना परोना कुछ था ही नहीं, पहली बात तो ये समझो, सही बताऊँ तो ये सब सरकार का जो था वो उसने कर दिया अपना काम। छोड़ो ये सब, चिंता मत करो, अपने दम पे खाओ दवाई और रहो, ऐस करो। कोई रामदेव ठीक नहीं कर रहा तुम्हें, ना कोई मोदी कर रहा, कोई नहीं करने वाला। अच्छा, बाबा रामदेव ने तो बोला है कि एलोपैथी की दवा काम नहीं आएगी, ना कोई और दवा काम आएगी, बस मेरा दवा काम आएगा, आयुर्वेद वाला दवा काम आएगा, पतंजलि का दवा काम आएगा। पहली बात तो मैंने आज तक कभी पतंजलि के स्टोर पे गया ही नहीं हूँ, कभी भी कुछ भी नहीं लिया, कुछ है ही नहीं उसमें, सिर्फ खाओ तो अजीब सा लगता है, वह प्योर हो या ना उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है, जब टेस्ट भी तो आना चाहिए उसमें, क्या करेंगे ऐसे खा के। देखो जी, बाबा रामदेव जो है पूरा एक माफिया चला रहे हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इंस्ट्रक्शन देके बिल्कुल अपना बिल्कुल सीधा किया है, इस जैसे झूठे और मक्कार आदमी को तो जेल में डाल देना चाहिए था, जो लोगों की ज़िंदगी से खिलवाड़ कर रहा है। तो जब वो ऐसे प्रोडक्ट बेच रहे थे तो लोग पूछ रहे हैं केंद्र सरकार ने कार्रवाई क्यों नहीं की, आपको क्या लगता है क्यों नहीं कार्रवाई की? केंद्र सरकार भी मिली हुई है बाबा जी के साथ, बाबा जी ने इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से पैसा दे दिया होगा, इसलिए नेता लोग चुप बैठे हुए। अभी सुप्रीम कोर्ट जो कर रहा है बढ़िया कर रहा है, और बाबा जी से माफ़ी मंगवा रहे हैं, तो उन्होंने माफ़ी भी मांग ली है, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, लोगों की जान से खिलवाड़ करके फिर माफ़ी मांग लेना ये भी ठीक नहीं है, उसे उचित दंड देना चाहिए। तो हमने यहाँ पे मौजूद लोगों से बात की, कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने जो किया है बिल्कुल भी गलत किया है, वो लोगों के साथ उनके जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इसके साथ ही यहाँ पर कुछ लोग मिले, उन्होंने कहा कि बाबा रामदेव का प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हम यूज करते हैं, और कई लोगों ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है वो बिल्कुल सही सुनाया है, ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जो झूठे झूठे दावे करके अपने प्रोडक्ट बेचते हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है कॉमेंट करके बताएं, और बाकी खबरों के लिए देखते रहे तेज़ तर्रार। कैमरामैन आशुतोष के साथ मैं हसन रजा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।